नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने पर मनाया गया उत्सव। भाजपा कार्यालय टलकुंज में की गई आतिशबाजी, मिठाई बांटकर जाहिर किया खुशी। बता दें कि नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने एवं केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने पर भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा द्वारा भाजपा कार्यालय अटलकुंज में उत्सव मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर तथा एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस दौरान जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही है, जो गरीब, वंचित, शोषित, सर्वहारा वर्ग के विकास एवं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि श्री मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज ये उत्सव मनाया जा रहा है। मोदी जी के अपने पिछले कार्यकाल में रह गई योजनाएं और विकास कार्यों को वे गठबंधन के सभी साथियों के सहयोग से पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 29 लोकसभा सीटों पर अपना परचम लहराया है। साथ ही रीवा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार रिकॉर्ड मतों से जीत पर सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, जिनके कठिन परिश्रम, मेहनत और निष्ठापूर्वक समर्पित भाव से पार्टी के प्रति किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप भाजपा को संसदीय क्षेत्र और जिले में शानदार सफलता मिली है। इस अवसर पर भाजपा जिला रीवा के डॉक्टर अजय सिंह, मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति, प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र गुप्ता, राजेंद्र पांडे, अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समूचे देश की 144 करोड़ जनता जनार्दन के लिए बड़े ही हर्ष और गौरव का विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुना गया। और माननीय मोदी जी पुनः एक बार इस देश की सेवा करेंगे। इस खुशी में आज पूरे देश भर में हर्षोल्लास है। उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया है। मिलीजुली सरकार बनी, मिलीजुली नहीं है, एनडीए को स्पष्ट बहुमत है भारत में। आपको मालूम होगा 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत के लिए 272 चाहिए और एनडीए को 293 सीट है। बहुमत से 20 सीट हम ज्यादा, इसमें मिलीजुली कहाँ है।